हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ फोटो एडिटिंग गिग ऑन फाइवर। मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा गिग एक्सप्लेन करूंगा और बनाना सिखाऊंगा। तो पहले मैं यहां पर सब कुछ फिलिंग कर लेता हूं, क्योंकि अगर आपके सामने करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँ। तो भाई, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने गिग का टाइटल लिख लिया है, आई विल एडिट प्रोफेशनल फोटो यूजिंग अडोबी पीएस एंड रीटचिंग। यहाँ पर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है ग्राफिक डिजाइनिंग, और सब कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है इमेज एडिटिंग, विच इज आवर सब कैटेगरी। तो यहाँ पर हम सर्विसेज सेलेक्ट कर लेंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग अगर आपने कमर्शियल यूज के लिए करनी है। यहाँ पर मैं फोटो मैनिपुलेशन यानी फोटो में चेंजिंग के लिए करूंगा, जो कि ऑर्डिनरी हमारे पास पीएस में होता है। तो यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेना है एड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर मैं चूज करूंगा फिल्टर इफेक्ट्स, बैकग्राउंड चेंज, या फिर आपने अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पर चेंजिंग कर लेनी है। एडिटिंग टूल्स का यहाँ पर मैं अडोबी फोटोशॉप, और यहाँ पर आपने टैग्स लगाने हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन टैग्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारे गिग को, क्योंकि यही हमारे गिग की पहचान करता है। और यहाँ पर हम सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो भाई, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं प्राइसिंग के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर आपको काफी डिटेल से और ध्यान से आप लोगों ने इसकी फिलिंग करनी है। यहाँ पर बेसिक प्लान है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। तो जैसे जैसे हम बेसिक से स्टैंडर्ड से प्रीमियम की तरफ जाएंगे, हमारी जो वीडियो क्वालिटी है, हमारी जो सर्विस है, वो बेहतर होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने अपने बेसिक प्लान का नाम फोटोशॉप एडिटिंग, यहाँ पे फोटोशॉप प्रोफेशनल, यहाँ पे प्रीमियम एडिटिंग लिख दिया है। इसी तरह आपने भी अपने जो बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान है, उसका नाम कोई ना कोई लिख लेना है। चाहे ये सेम भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी देनी है। डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्लान्स के बारे में थोड़ा इंट्रो दे सकते हैं कि इस प्लान के अंदर मैं ज़्यादातर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अपने प्रीमियम प्लान के अंदर मैं ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ बेसिक। और यहाँ पर अपना डिलीवरी टाइम भी आपने मेंशन कर लेना है। अगर आप जल्दी डिलीवरी दे सकते हैं तो आप 1 दिन रख सकते हैं, 2 दिन रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एज यूजुअली 3 दिन रखा है। जैसे आप जल्दी डिलीवरी दे सकते हैं तो आप जल्दी रख सकते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस वो हमें प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से लिख ली है। रिविजन यहाँ पर बेसिक में मैं नहीं दे रहा, बाकियों में दे रहा हूँ। एज यूजुअल आप जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं अपने गिग के लिए। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज मैं प्रीमियम के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, प्रीमियम हमारे सबसे ज़्यादा हाई रेट्स होते हैं, इस वजह से बेसिक में सबसे कम होते हैं। इस वजह से आप उसमें कम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्राइसिंग सेट कर ली, आप जैसे चाहें प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। कोशिश किया करें स्टार्टिंग में कम से कम प्राइस रखें। अगर आप कम से कम प्राइस रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर लेने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर बायर्स फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस आप रख सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा सॉसेजेस के लिए आप पे करते हैं, तो यहीं पर ये समझ लें कुछ एक्स्ट्रा सॉसेजेस हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसके लिए वो आपको पे करेंगे। यहाँ पर मैंने बेसिक प्लान के लिए 3 डेज डिलीवरी लिखी है। आप 1 डे की डिलीवरी भी ले सकते हैं अगर आप उनको $5 चार्ज करेंगे। इसी तरह आप एडिशनल इमेज, एडिशनल रिवीजन, हाई रेजोल्यूशन, कमर्शियल यूज़, मॉक सब, इन सब के लिए एडिशन आप रेट्स निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो। यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर जितना मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए लिखा है, और फिर मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पर आपने अपने गिग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि मैं इस गिग में आपके लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मुझसे क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं, और आपको क्यों मुझे ही चूज करना चाहिए। तो इसमें आप अपने गिग के बारे में लिख सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं, अपने प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं, ताकि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। और इसका लिंक, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको कंपाइल किया है, अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मगर मैं आपको बिल्कुल ये रेफर नहीं करूंगा कि आप कॉपी पेस्ट करें। आप कोशिश करें कि वो स्किल्स जो आपको आते हों, सिर्फ वही आप पकड़ें और उन्हें आप यूज़ करें, और कोशिश करें कि खुद राइट करें। अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लिंक और काफ़ी ज़्यादा स्किल्स मैंने कंपाइल किए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहीं से मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, ये इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन है कि अगर आप कोई ना कोई क्वेश्चन या अपने बायर से पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। आप जितने चाहे क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन किया है कि अगर आप कमर्शियल या एडवर्टाइजमेंट यूज़ के लिए आप ये हमारी फोटो जो मैं एडिट करूँगा उसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपके जहन में क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हैं, और यहाँ पर ऐड कर सिर्फ आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सेक्शन जो कि गैलरी सेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर आपने अपनी एक वीडियो, एक फ़ोटो और एक डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है अपने बारे में, अपने स्किल के बारे में। कोशिश करें अपनी वीडियो और अपनी जो पिक्चर है वो ऐसे अपलोड करें कि वो फॉर एग्जांपल हो आपके गिग के लिए। तो यहाँ पर अपनी आप इमेज, वीडियो और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और यहाँ पर सिंपली आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है और आपका गिग पब्लिश हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल काम था। अब जल्द से जल्द आप अपना गिग बना सकते हैं और फोटो एडिटिंग के लिए आप जा सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा गिग भी बना सकते हैं, और जितना अच्छी आपकी वीडियो और पिक्चर होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ,
जितनी अच्छी वीडियो और पिक्चर होगी और जितने अच्छा आपके पास स्किल होगा आप उतना ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। बाकी SEO टूल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं फाइवर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि उन SEO टूल्स पे और डिफरेंट अगर आप चाहते हैं कि उन SEO टूल्स पे और डिफरेंट चीज़ों पर फाइवर की मैं और भी वीडियो बनाऊँ, और पहले भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।